Hi everyone, this is Ashish and you are watching E-Classes by Sid Chitelal Academy, RAT. Hello everyone. Now today we are going to do another topic that is changing units of volume. अब इसमें हम पढ़ेंगे कि वॉल्यूम की जो यूनिट्स होती है उसको चेंज कैसे करते हैं. देखिए मैं आपको बताता हूँ. जैसे इसमें लिखा है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब और उसको चेंज कर रहे हैं मिलीमीटर क्यूब में. अब आप अगर डायरेक्टली सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाई 10, बट नॉट इन दिस टाइम, क्योंकि ये क्यूब है. इसका मतलब हो गया कि हमको 3 times 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमको मिलेगा 1000, ये हमारा फाइनल आंसर होगा. इसका मतलब हमको ये याद रखना है कि अगर यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब लग जाने का जो मतलब हो गया वो ये हो गया कि हम 3 times मल्टीप्लाई करेंगे. अगर स्क्वायर लगता है तो यहाँ पे 2 times मल्टीप्लाई होता है. इसीलिए ये याद भी कर सकते हैं आप चाहें, और चाहें इसको समझ लीजिए तो आपको ये परफेक्टली हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा कि यूनिट्स चेंज कैसे होती हैं. देखिए इसमें एक सर्कल के माध्यम से बताया भी गया है कि सेंटीमीटर क्यूब व्हेन कन्वर्टेड इनटू मिलीमीटर क्यूब वी विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000, वी विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस, और व्हेन मिलीमीटर क्यूब इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर क्यूब वी विल हैव टू डिवाइड द नंबर बाय 1000. उसी तरीके से ये मीटर और सेंटीमीटर को आप जानते थे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बट अब आप समझ लीजिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो होते हैं लेकिन जब क्यूब लग जाएगा, यानी कि जब 1 क्यूबिक मीटर हो जाएगा, यानी 1 मीटर क्यूब या 1 क्यूबिक मीटर हो जाएगा, तो 100 इज़ गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड इट सेल्फ बाई 3 times, 100 × 100 × 100, तब ये सेंटीमीटर क्यूब बनेगा. यानी 1 मीटर क्यूब में अब 100 सेंटीमीटर क्यूब नहीं होंगे बल्कि हमारे पास 10 lakh cm³ होंगे, और ये बात हमको रिमेंबर रखनी है, यानी याद रखनी पड़ेगी. ये हमारा दिस इज़ अवर अनदर टॉपिक दैट इज़ कैपेसिटी. अब कैपेसिटी होता क्या है, देखिए कि द वॉल्यूम ऑफ स्पेस इनसाइड अ होलो ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इट्स कैपेसिटी. यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर जगह हो, उसके अंदर जो सामान हम रख सकते हैं, जितना स्पेस होता है उसी वॉल्यूम को हम कैपेसिटी कहते हैं. अब आप देखिए कैपेसिटी कैसे होता है. इसमें लिखा है लीटर जो होती है वो कैपेसिटी की यूनिट होती है. और लीटर कैसे होता है, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 cm³. दैट मीन्स देखिए 1000 cm³ में 1 लीटर है, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है. देखिए अब ये होता कैसे है, मैं आपको बताता हूँ कि 1 लीटर का जो स्पेस है उसको ऐसा माना जाता है कि 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब है. 10 सेंटीमीटर स्पेस का एक क्यूब है. ये जो बॉक्स होता है आप देख रहे हैं, इस बॉक्स में एवरी साइड इज 10 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ और हाइट. जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर की जो कैपेसिटी है वो हो जाएगी 1000 cm³, और उसी को हम बोलते हैं 1 लीटर. तो देखिए 1 cm³ का मतलब हो गया 1 cm³. अगर हम इसमें 1 cm³ देखें तो वो निकलेगा 1/1000 लीटर, यानी 1 ml. 1 ml यानी 1 milliliter. अब देखिए 1000 liters में अगर हम इसको किलोलीटर देखते हैं, 1000 liter के 1 kiloliter बनता है, तो वो बनेगा कैसे, 1 meter cube. यानी एक ऐसा बॉक्स हम लेंगे जिसमें जो साइड होगी वो तीनों तरफ से 1 meter की होगी, और उसका जो स्पेस आएगा वो हमारा 1000 लीटर का आ जाएगा. तो ये हमको लर्न करना है, ये हमको रिमेंबर भी रखना है आगे, जिससे हम आगे जाकर के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. 1 kiloliter इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10 lakh cm³. तो ये आपको प्रिपेयर रखना है. उसके बाद एक इसमें यूनिट और दी गई है कि 1 ml, दैट इज इक्वल्स टू 1 cm³. 1 ml का मतलब 1 cm³ होता है यहाँ पर. अब मैं आपको मिक्स्ड यूनिट का एक एग्जांपल पढ़ाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. इफ़ द रेनफॉल ऑन अ सर्टेन डे वॉज 5 cm, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर फेल ऑन 8 hectare फील्ड ऑन दैट डे. अब इसमें बताया गया कि रेनफॉल किसी सर्टेन डे में 5 cm हुआ. जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि 5 cm रेनफॉल का मतलब होता है हाइट ऑफ द वाटर, हाइट ऑफ द वाटर दैट कम्स
इन रेनफॉल, जो रेनफॉल में वाटर आता है उसकी जो हाइट होती है वो यहाँ पर रेनफॉल मीज़र करते हैं उसको। अब वो जितने एरिया में गिरता है, देखिए जैसे 8 हेक्टेयर फील्ड में वो गिरा, तो काउंट करने के लिए हमें वॉल्यूम निकालना होगा वाटर का, और वॉल्यूम के लिए वी विल हैव टू मल्टीप्लाई द एरिया इनटू द हाइट ऑफ द वाटर। एरिया को हाइट ऑफ द वाटर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए कैसे करेंगे ये, तो हम हाइट ऑफ वाटर कलेक्टेड ड्यू टू रेनफॉल इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ वाटर जो था वो कलेक्ट हुआ 5 सेंटीमीटर, दिस इज इन सेंटीमीटर, और 8 हेक्टेयर जो हमारा है वो इसमें दिया गया है एरिया, तो 8 हेक्टेयर को हम चेंज कर लेते हैं 10,000 से मल्टीप्लाई करके, इट विल बी मीटर स्क्वायर। उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए अनदर वी विल हैव टू मल्टीप्लाई बाई 10,000, सो ये अब हमारा बन गया है 10 लाख, 80 लाख, ये 800 लाख बन गया है आपका, देखिए ना, तो इस तरह सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया है। आप इसको ऐसे अगर ना पढ़ पाएंगे तो आप इसको ऐसे पढ़िएगा, इसमें 1, 10, 100, फिर एक कॉमा लगा लीजिए 1,000, 10,000, फिर कॉमा लगा लीजिए लाख, 10 लाख, अब ये कॉमा लगा लेंगे तो ये लगभग इसमें 10 लाख के बाद ये करोड़ का प्रोसेस है, तो 80 करोड़ सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर ये जो है आपका बन गया है। अब इसमें इसको हम देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड, यानी जो वाटर कलेक्ट हुआ उसका वॉल्यूम हम देखेंगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर इंटू 80 करोड़। तो अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम के लिए एरिया को उसकी हाइट से, वाटर की हाइट से, तो वो हमारा बन करके कुछ ये डिजिट आएगी और ये सेंटीमीटर क्यूब में होगी, एंड देन इट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इंटू लीटर। सबसे पहले हम इसको लीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। अब लीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी विल हैव टू डिवाइड इट बाय 1000, 1000 से डिवाइड किया गया, और उसके बाद जब किलोलीटर में बदला गया है तो देखिए इसमें 1000 से अगेन इट इज़ डिवाइडेड, तो जो फाइनल आंसर बना है वो है 4000 किलोलीटर, यानी 4000 KL। अब इसके बाद इसमें जो दिया गया था लीटर्स में हमको आंसर निकालना था, तो वी हैव गॉट हियर द आंसर एज 40 लाख लीटर्स, ये आपका आंसर है। इसको किलो लीटर में चेंज करने के लिए यहाँ नहीं लिखा है, बट इट इज़ इन स्टैंडर्ड यूनिट, तो हम यहाँ पे चेंज किया गया है। आप चाहें तो इसको 40 लाख लीटर्स में भी छोड़ सकते हैं। तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल नाउ। नाउ वी आर लुकिंग फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 6, गोडाउन मीजर्स 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर। एक गोडाउन की मीज़रमेंट दी गई है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इस तरीके से। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मीजरिंग 1.5 मीटर, 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है। सबसे पहले हमको वॉल्यूम निकालना है कि जो गोडाउन का वॉल्यूम है वो कितना होगा, वो यहाँ दिया गया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद हमको जो क्रेट है, एक क्रेट है, उसका वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि हमको पता लगाना है कि हाउ मेनी क्रेट्स वी कैन पुट इन द गोडाउन, गोडाउन में कितनी क्रेट्स हम रख सकते हैं। तो एक जितना हमारा स्पेस कवर करेगी हमारी एक क्रेट, उसके हिसाब से ही हम रख पाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्रेट्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट। तो देखिए इसमें सीधे सीधे इसमें मीटर में ही सारी यूनिट्स दी गई थी, तो हमने वहीं पर रख करके इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमको फाइनल आंसर मिलेगा 16,000। तो ये इसका ये मतलब हो जाएगा कि 16,000 क्रेट्स मिल करके वो पूरा जो स्पेस है, जो वॉल्यूम है गोडाउन का, वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। इसका मतलब हुआ कि 16,000 क्रेट्स हम वहाँ पर रख पाएंगे। सो इट वॉज द डिस्क्रिप्शन। नाउ यू विल हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट एक्सरसाइजेज, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन सो डिस्कस विद अस। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।